साहेबगंज जिला के उद्धवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य पीआरपुर पंचायत के मिलन एसएचजी के जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरुद्ध उपभोक्ताओं ने विरोध जताया। उपभोक्ताओं ने डीलर के वितरण स्थान में जाकर हंगामा किया एवं कई मामले का उजागर किया। इस पर जनप्रतिनिधियों ने भी मनमानी करने का आरोप लगाया। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पति अताउर रहमान ने बताया कि सभी आरोप निराधार है। इस महीने में राशन विलंब से मिला था, इसीलिए उपभोक्ताओं को फिंगर लेने के बाद ऐसे भेज दिए थे और बोले कि जब राशन आ जाएगा आप सभी को खबर कर देंगे। आइए देखते हैं उधवा से संवाददाता शाहिद अनवर की एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उधवा प्रखंड के मध्य पीआरपुर पंचायत अंतर्गत मिलन एसजी के पोसर क्षेत्र में। यहाँ पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपने मनमानी तरीके से बरसों से राशन वितरण कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है और डीलर के घर के सामने सभी विरोध जता रहे हैं। आइए कहीं को उपभोक्ता से जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। मनमर्जी कर रहे हैं, जिनका मेरा उनका दही कार्ड जी, तो हमको कितना मिलेगा? 30-35-36 किलो का ऑर्डर है, वो लोग 28 किलो देता है। तीना सर आपके मशीन से हाथ पत्थर चढ़वा के लेते हैं, अटीना सन आपके दे दिया कि इतना तुम्हारा हो गया जाए। घर में आकर ना पता 28 किलो होता है, इतना राशन देते वन तो एक आठ में, और हर महीना नहीं देता है। इस साल में हाथ ले लिया है मगर अभी तक चावल नहीं मिले। इस महीना कब हाथ लिया है? एक एक हफ्ता हो गया हाथ लिया है। तो उसमें आगा महीना में चावल दिया है सर, हमको 23 किलो दिया है। उसको बोला जो हमको चल पूर्ण चल दीजिए, तो वो बोला जो नहीं हम नहीं देंगे, पूरा सरकार ने काट लिया है, हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए हमको 23 किलो मिला है। एक एक उसको पहले कितना मिलता था? उसको पहले हमको 28 किलो 30 किलो देते थे। अच्छा, बस सिर्फ 23 किलो दिया है? हाँ, सिर्फ 23 किलो। हाँ, 23 किलो दिया है बस। आपका नाम सर? मेरा नाम मुस्तफा है जी। मैं ये गांव का, मैं थोड़ा जिम्मेदारी है तो कभी भी चावल लेने को जाता है तो लेडीज लोग तो है ना, लेडीज लोग जाता है तो मेरे पास शिकायत लेता है कि मुस्तफा भाई हमको 6 किलो कम दे दिया, 10 किलो कम दे दिया। तो मैं वहाँ जाता हूँ, ये ऐसा क्यों कर रहे भाई? तो बोला हमको नहीं मिलता तो हम कहाँ से देगा, हम जो है वो दे दो। वो नहीं देगा, तुम्हारी मर्जी, जो है जो करना है कर लो, तू कि इधर का ये है जी। जब ये जिला जब शुरू से ऐसा काम कर रहा है, ये बराबर चावल नहीं देते हैं। अभी अभी जो चावल आया था घर में, इधर टावर नहीं मिलता है, मैंने इसमें टावर नहीं, पार में टावर मिलता है, चोरी छुप के वहाँ पर हाथ आंगली लेते हैं। ये कभी भी 4 बजे आएगा, कभी 2 बजे आएगा, कभी 3 बजे आएगा, टाइम नहीं है। वो गांव में थोड़ा थोड़ा लेकर आएगा, गरीब को चुन के जो नहीं बोल नहीं पाएगा उसी को लाकर पहले दिन शुरू कर दिया। आज 2 बारी दिया, कल 5 बारी दिया, तो एक महीना खाली ऐसा चल देते रहेगा वो। बाद में ये सामने सामने चल दो दो टेम्पू चल निकल गया। आप देखिए, हाँ आपके सामने, हाँ बिल्कुल नहीं रुका। अरे हमको ऐसा एक जगह से छूट गया, वो बोलेंगे तो मैं झाट उखाड़ लेंगे, तू दादा है क्या, मालिक है? उसके बाद हमें समोदी की बोला एक दफा, फिर आया चलिए हम लोग का वीडियो बचाएंगे, तुम लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? यहाँ जो कम देता था आप लोग उसको नहीं बोलते? अरे कितना उसका आदत है, इसका शिकायत ऊपर नहीं किया है? ऊपर नहीं किया है, ऊपर हुआ बोल के अगर ये हुआ जो 4-4.5 किलो का हुआ तो 4 किलो देता था, चल भाई ला दो, फिर 3 किलो 3.5 किलो देता था, घर में जाकर लापो तो 3 किलो हो रहा जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारा यहाँ राशन मिलता है, शुरू से ठीक से चावल नहीं देता है। एक तो बात ये है कि अगले महीने में चावल दिया है 3 किलो एक आदमी का चावल दिया। दूसरा बात ये है कि अभी चावल एक हफ्ता पहले उंगली ले लिया है, वो घर पे अपना घर पे बुला के उंगली लिया है, अभी तक चावल देने नहीं आया। तो वो उंगली लिया, आप जाके उंगली दे दिए? हाँ, उसको नहीं पूछे कि हम उंगली देते हमको राशन दीजिए? वो बोल रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, वो जो अपना जो आदमी, आपका बुद्धि है कि नहीं? जब आप उंगली दिए तो आपको राशन लेकर आना होगा। राशन लेने वो बोलते हैं कल दे देंगे, कल आके देंगे। कल नहीं दे रहे? कुछ उसको कुछ आया आया ही नहीं अब तक, जब जा रहे नहीं आया, नहीं आया।
अच्छा वो जो कम देता है हर महीना में, तो किसको शिकायत किया है, किसी को बोले हैं? शिकायत वो इससे पहले किए हैं हम लोग सब मिलकर, ग्रामीण सब आदमी मिलकर है, लेकिन सब कोई ये नहीं लेता, एक्शन नहीं लेता है। किसको बोले हैं, किस किस को बोले हैं? पंचायत सेवक को बोला है, पंचायत सेवक को बोला है, मुखिया को बोला है, बोले हैं सबको बोले। मेरा नाम मोहम्मद मसीह शेख, भोदू बोलते हैं हमको, जो हम मुखिया प्रतिनिधि। सर यहाँ के लोग जब शिकायत किया तो क्या किया इस पर? यहाँ का जो है जितना भी राशन दुकानदार है, खासकर मध्य प्यारपुर में, बाहर का तो नहीं बता पाएंगे, मध्य प्यारपुर में जितना भी राशन प्रणाली दुकानदार है, इन लोगों का इतना रवैया है कि बोलना नहीं है। जब मतलब गरीब आदमी को जब मतलब आते है दुकान में, तो उन लोगों को टेढ़ा बेका माफी में कुछ काटता है तो उंगली मतलब पहले ले लेता है, फिंगर जब लिया जाए लेने का टाइम है कि तो मतलब अभी सरकार के तरफ से जो दिया गया है, मतलब जो कांटा दिया गया है, तराजू जिसको बोलते हैं, फिंगर देते समय उसको चावल वितरण करना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करता है, पत्थर चढ़ा के उंगली ले लेता है और गरीब को जो है बाद में बुलाता है, बुलाने के बाद क्या करता है कि एक यूनिट का पर यूनिट 5 किलो मिलना चाहिए, जबकि ये लोग देता है 3.5 किलो भी देता है, 4 किलो भी देता है। जब हम लोग आते हैं, हम उप मुखिया चाहे मतलब पंचायत समिति जो, हम लोगों को जब खबर मिलता है, हम लोग मतलब जब आते हैं तो हम लोगों के सामने 2-4 कलम ठीक ठाक करके दे दिया, फिर जब हम लोग गए तो फिर मतलब वही खेला कर लिया। इसके लिए अभी तक कहाँ क्या कार्रवाई की? अभी तक कहाँ मतलब एमओ साहब को मतलब बोला गया है, एमओ साहब को भी बोले, लिखित शिकायत नहीं किया है, डीलर साहब का मतलब लिखित हम लोगों का मतलब हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोगों से अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे का कार्रवाई जो है एमओ साहब को हो, चाहे मतलब डीसीओ साहब हो, डीडीसी साहब हो, डीसी साहब हो, चाहे जो भी हो, सबके पास जाना, सबके पास हम लोग जाने के लिए तैयार है। इस पंचायत में कई छोटे लोग? 4 छोटे लोग हैं। चारों का यही हाल है, सभी का है, सभी का यही हाल है। जी आपका नाम? हमारा नाम शेर मोहम्मद, मध्य प्यारपुर का पंचायत समिति। सर ये मामले में आप क्या किए? ये लोग हम लोग को पब्लिक को बोला, हमको क्या हम लोग को झाट मारा दिखा रहे है, चावल भी कम दे रहे है, तो हम गए गोदाम, क्या ये लोग का चावल उठ के आए कि नहीं, गेहूँ उठ के आए कि नहीं, इसका पहले महीने में 3.5 किलो किसको 3 किलो, अंत्योदय कार्ड वाला को किसी को दिया 25 किलो, किसी को दिया 22 किलो, ये सब सुनने मिला हमको। तो हम गोदाम पहले गए, गोदाम में चेक किया, पूरा चावल गेहूँ ये लोग उठा के लेकर आया। हम गए फिर एमू का पास, एमू जो है सीओ भी हुई है, एमू का पास गए, एमू को हम ये शिकायत बताए, वो एमू बोलता है जाओ चावल दे देगा। फिर हम फिर दूसरा दफा गए एमू का पास, एमू बोल रहे हैं कि आपको भी झाट बड़ा दिखा रहा है, कोई डीलर हमको भी झाट बड़ा दिखा रहा है, जो करना है कर लो, हाँ हम ये 4 किलो करके चावल देगा। आप पहले वाला चावल, वो पहले वाला हम देगा, बाद में देगा, हम पूरा उठा के लेगा है, पूरा लाभुक को चावल दो। फिर हम लाभुक को जानकारी दिए, हाँ देखे जो है। तो हम तो अभी इन पर कार्रवाई के लिए आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं? इसका कार्रवाई के लिए हम एमओ साहब को बोलेंगे जी, इसका माल वितरण कीजिए सही ढंग से, अगर नहीं करता है तो हम डेसो का पास जाएंगे, आप लोग क्या साहेबगंज जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये डीलर नहीं चाहता, हम लोग को दूसरा डीलर चाहिए। क्या चाहता हम लोग? ये लोग नहीं मिलता, हम डीलर नहीं चाहिए, नहीं देता है। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।